नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही बताना चाहेंगे कि एएलपी वेटिंग कैंडिडेट के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस में क्या कुछ खास है आपके सामने जो है ना, अभी चंद सेकंडों में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद और रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर, जी हाँ, इन दो बोर्ड के लिए जो है ना ये नोटिस खास तौर पे जारी किया गया है। सभी इंपैनल जितने भी इंपैनल कैंडिडेट हैं असिस्टेंट लोको पायलट का एडिशनल पैनल के माध्यम से जिनका भी हुआ था, इन सभी को जो है रेलवे भर्ती बोर्ड यहां पे आपके सामने, अभी आपके सामने जो बोले रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद और भुवनेश्वर और साथ ही मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय वालतेरू, ये जो डिवीजन है बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इनके द्वारा जो जारी किया गया है मंडल कार्यालय के द्वारा री मेडिकल को लेकर जो है एक नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही शेड्यूल जारी किया गया है कब जो है ना इनका मेडिकल होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही जो है ना यहाँ पे बात कर लेंगे कितने कैंडिडेट को जो है ना यहाँ पे बुलाया गया है, किस किस स्टेट में बुलाया गया है वो भी बात करेंगे। और सभी कैंडिडेट का मेडिकल जो है स्टैंडर्ड होना है A1 होना है। आगे सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है सभी को बोला गया है कि आप जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका टेक्निकल का है सभी का 3 कॉपी जो है ना आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी आपको लेके आने हैं और साथ ही ओरिजिनल भी जरूर लेके जाइएगा। दूसरा में बोला गया है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप जितने भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लगाते हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, वो आप लेके जरूर जाइएगा। और साथ ही ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको लेके जाने हैं, एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो लेके जाइएगा। रेलवे का फॉर्मेट पे नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे नया पुराना का कोई बात नहीं किया गया, तो आप नया और पुराना कोई भी है तो आपका चलेगा। और साथ बात कर लेते हैं हाल ही का जो है ना खींचा हुआ कलर पासपोर्ट साइज जो है ना 8 फोटोग्राफ मांगा गया है, ये भी आप बना के ले जाइएगा। पांचवा नंबर में है यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जो है पहचान चिन्ह होना चाहिए, उसमें भी जो है ना आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्टर हो या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो उससे आप बनवा के लेके जा सकते हैं। तो इन चीजों को जो है ना लेके आप आइएगा, वहां पे डिवीजन में जाके विजिट कीजिएगा। वालतेर डिवीजन जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है, वहीं पे जाना है। किनको किनको जाना है, रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद और साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर के कैंडिडेट को जो है रिपोर्ट करना है। आगे देखिए यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट के लिए जो है नोटिस जारी किया गया है, मेडिकल अंडरटेकिंग वहां पे फॉर्म आपको दिए जाएंगे, वो भर के आपको हैं। सबसे पहले देखिए डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे इंपैनल जितने भी कैंडिडेट आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी यहाँ पे भुवनेश्वर, असिस्टेंट लोको पायलट वालतेर डिवीजन में जिनका भी हुआ था, और साथ ही अपना अपना रोल नंबर जो है यहाँ पे मिला लीजिएगा। रोल नंबर मिलाने के बाद अपना नाम, पिता का नाम मिला लीजिएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन डेट जो है यहाँ पे देख रहे होंगे 16/8/2022, इसमें टोटल 20 कैंडिडेट का मेडिकल होना है। जी हाँ, 20 कैंडिडेट मेडिकल होना है 16/8/2022 को आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। हो सके तो 17 तारीख को आपका मेडिकल हो जाए या तो 18 को, वहां पे जाने के बाद ही आपको पता चलेंगे। 21 नंबर से लेके यहां पे 40 नंबर तक आते हैं, तो इनका 17 तारीख को जो है यहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सभी का जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, उसके बाद जो है ना आपको भेजे जाएंगे मेडिकल के लिए। आगे देखिए यहां पे 41 से आप देखते हैं तो 60 तक चलते हैं, तो 20-20 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है 18/8/2022 को। इन सभी कैंडिडेट का जो है ना वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ भी जो है मेडिकल जो है ना यहाँ पे कराया जाना है। 61 नंबर से आप यहां पे नीचे देखिएगा तो 80 नंबर तक 19/8/2022 के डेट में वहां पे उपस्थित होना है। अपना अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, ये पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे, वैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ये आपका वालतेर डिवीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आगे देखिए यहाँ पे और भी कैंडिडेट का यहाँ पे जो है ना शेड्यूल आया हुआ है, टोटल बात कर लेते हैं 115 कैंडिडेट। जी हाँ, टोटल 115 कैंडिडेट का यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया है। और लास्ट मेडिकल जो चलना है 23/8/2022 तक चलना है। जी हाँ, 23/8/2022 तक इन लोगों का क्या चलना है, डीवी और साथ ही मेडिकल का डेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वहां पे जाने के बाद ही जो है ना आपका मेडिकल का डेट बता दिए जाएंगे डीवी के बाद। ये टोटल
टोटल देख लीजिएगा, अपना अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन रहने देते हैं। आपके मन में अभी भी कोई कुछ सवाल हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप संभवतः हमारे ये कमेंट सेक्शन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे बात कर लेते हैं सभी कैंडिडेट को, जो भी रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी है वहां पे आपको अपडेट दे दिया गया है। वैसे भी कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका जो है ना ईमेल आईडी खो गया होगा या किसी कारणवश बंद हो गया है, तो वो जो है ना बिल्कुल भी घबराए नहीं। आप जो है ना डायरेक्ट डिवीजन में जाके विजिट करके अपना जो है ना प्रॉब्लम बता के वहां से जो है ना आप अपना बात कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन रहने देते हैं, और साथ ही यदि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी को बटन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।